तो देवेंद्र अधिकारी जी, हेलो, सॉरी, देवेंद्र भंडारी जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करूंगा हमारी इस ऑनलाइन डेमो क्लासेस में, और थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने हमारी डेमो क्लासेस को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले जिस ऐप के जरिए हमारी ये क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए। गो टू मीटिंग ऐप, जिसको आपने अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, ये सेम ऐप आपको जो है सिस्टम पे भी, पीसी पे भी, स्मार्टफोन, टैब, हर प्लेटफॉर्म पे ये ऐप चलता है। तो हम लोग दो ऐप यूज करते हैं, एक तो जूम ऐप का और दूसरा गो टू मीटिंग। लेकिन फिलहाल हम लोग इंडिया में जूम ऐप यूज कर रहे हैं। जब आउट इंडिया क्लासेज होती है, जैसे कि गल्फ वगैरह की, तो हम गो टू मीटिंग यूज करते हैं, क्योंकि गल्फ में गो टू मीटिंग बैन है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप जो है मुझे लाइव सुन सकते हैं। मैंने अपना वेबकैम अगर ओपन कर दिया तो आप मुझे देख सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन को शो कर सकते हैं। हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कि अगर आप, अब बात आती है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ही क्यों कराते हैं, तो बेसिकली इसके कुछ बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस की, उसको जानिए। सबसे पहले कि ये आपका जो है स्मॉल साइज बैच का, मैं वन टू वन एंड स्मॉल साइज बैच होता है। अगर आफ्टरनून में ज्वाइन करते हो तो मोस्टली आपको वन टू वन बैच मिलता है। मॉर्निंग में ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है 3 या 5 बच्चों का बैच मिलता है। बट क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको मिनिमम 10 to 15 बच्चों का बैच मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब स्मॉल साइज बैच होने का फायदा क्या होता है कि डेली बेसिस में हम आपके हर एक क्यूरी, हर एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर कोई 1 घंटे क्लास आपको दे रहा है, उसमें 15 बच्चे हैं, अगर 15 बच्चों ने एक एक सवाल पूछ दिया और एक सवाल को आंसर करने में उसको अगर मान लीजिए 3 मिनट का भी टाइम लगता है, तो सोचिए कि पूरी की पूरी क्लास तो क्लास आंसर में चली जाएगी ना सर। बिल्कुल सर। तो इसलिए हमारी स्मॉल साइज बैच होता है, जिसमें हम आपके जो भी ऑफिशियल प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने आज ऑफिस में काम करते समय कोई प्रॉब्लम को पाया, प्रॉब्लम अगर छोटी मोटी है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, बड़ी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे उसको नोट डाउन करेंगे और शाम को सुबह जब भी आप क्लास ले रहे हो उस क्लास में पूछेंगे कि मेरी प्रॉब्लम है, बताइए कैसे हो, हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे पास 3 4 बच्चे होते हैं और हमारे पास टाइमिंग ज्यादा होती है, तो हम आपके हर क्वेश्चन को तसल्ली से आंसर करते हैं। दूसरी बेनिफिट है कि अगर आप मान लीजिए कि हमारे पास सारे वर्किंग है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप भी सर वर्किंग है ना। हाँ सर। हाँ, तो क्या होता है कि 9 से 6 तो आपकी ऑफिस होती है, जो एवरेज टाइम होता है हमारा 9 से 6 का ऑफिस का टाइम होता है। तो 9 बजे से पहले आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलता नहीं है, 6 बजे 7 बजे के बाद बंद हो जाता है। अब किसी ट्रेनिंग लेने के लिए आप ऑफिस को तो नहीं छोड़ोगे ना सर। बट हमारी क्लासेस सुबह 5 बजे, मतलब मॉर्निंग 5 AM टू नाइट के 11 PM तक होती है। इस बीच के 1 घंटे का बैच आप ले सकते हैं, ठीक सर। ठीक है ना, 1 घंटे का बैच आप ले सकते हैं। तो जैसे कि आप लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, ऐसे बैचेस को आप ले सकते हैं, राइट सर। तो एक बेनिफिट आपका यहां पे आता है। और दूसरी बेनिफिट जो मैं देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देते, वो है रीज्वाइनिंग का फैसिलिटी, कि आफ्टर दी कंप्लीट कोर्स होने के बाद क्लासेस को रीज्वाइन कर सकते हैं आप, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। होता है क्या है कि कभी कभी आपने सीख लिया, सीखने के बाद आपके ऑफिस में सडनली आपका प्रोफाइल चेंज हो गया, आपने यूज नहीं किया, आप आउट ऑफ यूज हो गए, तो क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो उस केस में आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पूरी कोर्स को रिपीट करवाना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन आवर फ्री ज्वाइनिंग फैसिलिटी एंड आप अपने कोर्स को रिपीट कर सकते हैं। दूसरा, अभी तो आपने सेलफोन से ज्वाइन किया है, अगर आप सिस्टम से ज्वाइन करते हैं तो मेरे सेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि अब क्लासरूम ट्रेनिंग में क्या होता है कि हर एक चीज को धीरे 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 नोट करना होता है, आपका ट्रेनर समझा रहा है आप नोट कर रहे हैं, नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। आप तसल्ली से आराम से बैठ के हमारे प्रॉब्लम को समझो, उस पे क्वेश्चंस करो, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी डिजिटल नोट तैयार हो रही है, मतलब कि आपकी पूरी स्क्रीन एंड वॉइस को रिकॉर्ड किया जा रहा है।
आपके थ्रू भी और मेरे एंड भी। हो सकता है कभी आपने क्लास मिस कर गए, ज्वाइन नहीं किए, आपके साथ और भी बेहतर बच्चे थे तो मैंने उनको पढ़ाया, तो नॉट वरी, आप हमारी रिकॉर्डिंग को भी ले सकते हैं क्लास के बाद। आपको रिकॉर्डिंग आपके सेलफोन पे या आपके सिस्टम पे ड्राइव के जरिए मिल जाएगी, आप उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख ले, समझ ले, जो टॉपिक मिसिंग है उस टॉपिक को अगली क्लास पूछ ले, ताकि जो आपको समझ में नहीं आया। तो ऑनलाइन क्लासेस को अगर कंपेयर किया जाए क्लासरूम ट्रेनिंग से, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है बेटर है क्लासरूम ट्रेनिंग से, ठीक है, मेरे हिसाब से। और मैंने अभी तक 45,000 से ऊपर बच्चों को पढ़ाया हुआ हूँ, किसी ने ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर नेगेटिव मार्किंग नहीं किया है। और मैं YouTube पे तकरीबन 2500 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अभी 2014 से अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस पे जाके कमेंट्स को देख सकते हैं, किसी ने भी इस तरह कमेंट नहीं किया हुआ है कि सभी क्लासेस ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक्सेल नहीं सिखाता हूं। अब मैं अपने बारे में बता दूं, बेसिकली मैं पिछले 13 सालों से इसी एक्सेल पे ही वर्किंग हूं, ठीक है। तो फिलहाल मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा हूं, बट मेरे पास तकरीबन जो है वही 30-35 कंपनियां हैं जिनकी मैं रिपोर्टिंग रिपोर्ट को फ्रीलांसिंग के जरिए रिपोर्ट को ऑटोमेट करता हूँ। जिनके पास क्रिटिकल रिपोर्ट्स होते हैं उनसे नहीं होते हैं तो मुझे फॉरवर्ड करते हैं, मैं उनको रिपोर्ट को क्लियर करता हूँ। तो मेरे पास लाइव डेटा से एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और मैंने जो 13 से 14 सालों में जो सीखा है काम करते हुए, जो चीजें सीखी है वही चीज को हम आपको डिलीवर करते हैं। तो आप सिर्फ एक्सेल ही नहीं सीख रहे हैं, मेरे 13-14 साल का जो एक्सपीरियंस है आप उस एक्सपीरियंस को भी ले रहे हैं। अब हमारी वीडियोज को देखेंगे तो हाँ पता चलेगा कि मैंने जो एग्जाम्पल यूज किए हुए हैं पूरी की पूरी ऑफिशियल एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि जो हम ऑफिस में करते हैं मैं उसी चीज को आपको कोर्स में कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई डाउट सर? नहीं सर। अब कोर्स के बारे में आते हैं, आप करना क्या चाहते हैं सर? मम्मी आया कोई? हाँ सर, बोल रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं सर? मैं जैसे एमएस वर्ड में थोड़ा आता है, मगर एक्सेल भी पूरा सीखना चाहता हूँ स्टार्टिंग से। एक्सेल सीखना चाहते हैं ना? मुझे रिज्यूम में बेनिफिट्स मिलेगा, कुछ लोग अपने काम में, इस सब चीजों के लिए होता है। तो सर मेरे लिए आपके पास कोर्स है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएंगे, मेरी वेबसाइट iptindia.com पर आप जाते हैं तो आपको वहां पे कोर्स ऑफलाइन दिख जाएगा। ऐसे उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे, एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इसकी सारे कोर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो वर्क यहाँ पे आपके सारे कोर्स के आउटलाइन है कि मैं इस कोर्स में क्या करा रहा हूँ। इस कोर्स का जो कंप्लीट ये है, कंप्लीट एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। इसमें आपको एक्सेल के हर एक फीचर्स जो मेनू बार में अवेलेबल है वो हर एक फीचर्स में इसमें डिस्कस करूंगा, फाइल से लेके डेवलपर तक। और इसमें आपको मोर देन 200 फॉर्मूला नेस्टिंग, एरे फॉर्मूला, डायनेमिक चार्ट क्रिएशंस एंड रिपोर्ट ऑटोमेशन विद फॉर्मूला इन द ऑफिशियल एनवायरनमेंट। तो इसमें आपको हम जो है इसको करने के बाद अगर इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक्सेल में कोई चीज बच नहीं जाता है जो कि आपको ना आता हो, ठीक है। तो आपको एक्सेल में हर एक चीज जो है हम कवर कोशिश करेंगे कि आप सारी चीज को डिलीवर करें। ये हमारा एडवांस वर्किंग प्रोफेशनल्स का कोर्स है, इसको आप सही से देख लीजिएगा। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको आएगा durations, तो बेसिकली इसकी जो 35 आवर आइडल ड्यूरेशन है, अभी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है सर, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल पे, आपकी कैचिंग पावर सही है, आप रिपीट नहीं करवाते हैं, आपने छुट्टियां नहीं किया, मैंने भी छुट्टियां नहीं किया, तो हो सकता है कि 25 घंटे में, 30 घंटे में या 20 घंटे में कंप्लीट हो जाए।
लेकिन पता चला कि आप जो मैंने कि आपकी आधी क्लास आप जो है तीन चार क्वेश्चन डेली पूछ रहे हो, आधी क्लास क्वेश्चन भी निकल जाता है, तो मे बी आपका 35 हो जाएगा 45, 50, 60 आवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप आफ्टरनून में बैच लेते हैं तो आपका 1-to-1 लाइव क्लासेस मिलेगा, मॉर्निंग में लेते हैं तो एक बैच मिलेगा आपको, बैच में 3 से 5 बच्चे होंगे और इसकी फीस आपको पड़ेगी 7,500। और क्लास में आपके हर क्लास की वीडियो, नोट्स, पीडीएफ बुक्स, आर्टिकल्स एंड फ्री रीज्वाइनिंग की फैसिलिटी मिलेगी। समझ में आ गया? Okay. और दूसरी चीज है कि एडवांस एक्सेल की जो हमारी क्लासेस है, हम हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस कराते हैं। सिर्फ एडवांस एक्सेल मतलब, अब कुछ लोग बच्चे बोलते हैं एडवांस एक्सेल के कोई अलग सॉफ्टवेयर तो नहीं होता है, नहीं, आपकी कमांड वही होते हैं, उसका यूजेज, उसका ट्रिक्स थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होता है, तो वो चीज हम यहाँ इस कोर्स में कराते हैं। और क्लासेस में और क्या क्या करवाते हैं इसके लिए आप जो यूट्यूब पे जाएंगे, आईपीटी इंडिया को सर्च करेंगे तो मेरे 2500 वीडियोज आपको दिख जाएंगे। ये 2500 वीडियोज कौन है, क्या होता है कि दिन भर में आप 13-14 क्लासेस लेता हूँ, उस 13-14 क्लासेस में से हमें 3-4 क्लासेस को यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ सर, ठीक है ना सर। तो आप उस वीडियो को देख के पता लगा सकते हैं कि हमारी क्लासेस किस तरह की होती है। अब टाइमिंग के डिस्कस कर ले, तो क्लास की टाइमिंग कब चाहिए आपको सर? सर शाम को मिल जाती तो। शाम को कितने बजे ऑफिस से घर आ जाते हैं? सर 6 के समथिंग पे, 6 बजे। 6 बजे आ जाते ऑफिस, घर से ऑफिस। ओके, तो 8 बजे चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो 8 बजे भी है, 9 बजे भी है, 9 बजे तो थोड़ा सा आगे निकल गया है, 8 बजे सही रहेगा। हाँ सर। तो ठीक है, तो कल से मंडे है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, कल से 8 बजे आप ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन करने का तरीका पता ही चल गया, तो आप सिस्टम से ज्वाइन करेंगे, मोबाइल फोन से ज्वाइन करेंगे? तो ये मैं अभी तो ये मोबाइल से ही कर लूंगा सर। सर एक्चुअली क्या होगा, जब मैं लैपटॉप में करूंगा तो दोनों एक चीज कैसे होगी, प्रैक्टिस भी और साथ में होगी? नहीं, प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस करने की जरूरत, प्रैक्टिस तो बाद भी कर सकते, क्लास के बाद भी तो कर सकते ना आप। देखिए पहले क्या हो गया कि पहले आप हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझे, समझे, उसके बाद क्लास की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी, और फिर उसको जो है आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको नोट कर लें और फिर रिकॉर्डिंग को एक बार देखें, और जैसा मैंने किया वैसा करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम होती है तो रिकॉर्डिंग से हेल्प लें या फिर मुझे फोन से हेल्प लें, और अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है उसको नोट करके अगली क्लास में पूछ लें। अभी क्या हुआ सर, आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ एडिट कीजिएगा, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, एक बार मान लो आपने वो चीज कर लिया तो ऐसा तो नहीं याद हो जाएगा, आपको भूल भी सकते हैं आपको क्या। दूसरी चीज है कि आपकी आपकी मुझे आपका कीबोर्ड आपका स्क्रीन तो मुझे नहीं आ रहा, मुझे क्या पता कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, तो ऐसा लगा कि आप उधर प्रैक्टिस में लग गया और मैं इधर टॉपिक पर आते जा रहा हूँ, दिक्कत होगी ना। इसलिए पहले शांति से बैठ के आप जॉब कीजिए, ट्रेनिंग को समझिए, क्वेश्चन पुट कीजिए और सही समझ लीजिए, समझना जरूरी होता है। अगर कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो प्रैक्टिकली आप अप्लाई इजिली कर सकते हैं, समझ गया ना। सबसे पहला जरूरी होती है कंसेप्ट को समझना। तो सिस्टम से ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा, एक तो सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको मेरी रिकॉर्डिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग तुरंत तो नहीं भेजूंगा, रिकॉर्डिंग भेजने में टाइम लगेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि स्क्रीन थोड़ा सा बड़ी दिखेगी, ठीक है ना। तो कल से आप शाम को 8 बजे ज्वाइन कीजिए, राइट सर। और तब तक आप जो है हमारे कुछ रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिए। अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे एक 4 घंटे का वीडियो भेज रहा हूँ, उसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग करते हैं, उसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर हाँ बोलिए। सर ये वीक में कितने पूरे मतलब 7 डेज में कितने दिन रहता है? मंडे टू फ्राइडे होगा सर, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को आपको प्रैक्टिस का टाइम दिया जाएगा।
ठीक है ना। ठीक है मंडे टू फ्राइडे आपको कोई 45 मिनट टू 1 आवर की क्लास होगा। क्लास कोई 45 मिनट हो सकती है, कोई 30 हो सकती है, कोई 1 आवर हो सकती है, और डिपेंड करता है टॉपिक पे, टॉपिक कितना बड़ा है, क्योंकि एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक के लिए ब्रेक देना पड़ता है ना सर, ताकि प्रैक्टिस कर सके आप। हाँ बिल्कुल सर। ओके तो यूट्यूब पे आप मेरे साथ कनेक्टेड है या नहीं? हाँ सर हूँ सर, सब्सक्राइब किया है आपका चैनल। ठीक है, और यूट्यूब पे वीडियो देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करते रहिएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, मैं आपको अभी 4 घंटे का एक वीडियो भेज रहा हूँ जिसमें मैंने एक्सेल के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, उसको आराम से देख लीजिए। पीने से ताकत आती है। ठीक है सर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।